हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ मैथ के एक चैप्टर के बारे में, जो कि अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है, और इसका नाम है SI इंस्टॉलमेंट। ठीक है, तो जो इंस्टॉलमेंट है मीन्स जो किस्तों के जो चैप्टर हैं, यहाँ से सवाल बनते ही बनते हैं। आपका UP पुलिस हो गया, RPF हो गया, तो इसमें क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आपको मैं ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा, जिससे आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगा, बड़े आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो विदाउट टाइम वेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़ के हम आपको बताते हैं। ठीक है, कहा गया है कि 2 साल में 2% प्रतिवर्ष की दर से, मतलब टाइम दिया है 2 साल और 2% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, तो 808 रुपये के ऋण का वार्षिक भुगतान करना है। ठीक है, तो क्या ये हमारा मूलधन नहीं है, ये हमारा राशि दिया हुआ है कि टोटल हमें ब्याज और मूलधन मिला के इतने का हमें भुगतान करना पड़ेगा, लेकिन किस्त कितनी होनी चाहिए कि 2 साल में 2% की दर से हम पे करें और 808 रुपये हमारा पे हो जाए। ठीक है, तो चलिए मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। तो पहले क्या करेंगे, हम लिख लेंगे यहाँ पे 100। ठीक, 100 लिख लिया हमने। फिर उसके बाद यहाँ पे 2% दिया हुआ है, अगर 2% दिया हुआ है तो हम 100 में 2% जोड़ेंगे, यानी 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 102। ठीक है, अब बताइए कितनी साल के लिए दिया हुआ है, 2 साल के लिए ना, तो ये हो गया पहले साल का किस्त, तो ये हो गया दूसरे साल का किस्त, दो ही बार लिखेंगे। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे हम तो कितना आएगा, ठीक है, तो आ जाएगा 2 और यहाँ से इतना 202 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो आया है आपका, ये आपका अभी ये जो आया है, ये सब आपका यूनिट में वैल्यू आया है। ठीक है, यूनिट में वैल्यू आया है, तो मैं आपको बता दूं कि ये आपका मंथली किस्तें हैं। ठीक है, ये आपका पहली किस्त है, ये आपका दूसरी किस्त है, और ये जो है ये आपका टोटल अमाउंट। ठीक है, टोटल अमाउंट मतलब आप पूरा किस्त जब जमा करेंगे बार बार, मतलब 2 बार में, तो टोटल अमाउंट आपका इतना होगा। ठीक है, अब जो इसकी वैल्यू दिया हुआ है, इसकी वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 808 रुपये दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन में टोटल अमाउंट की वैल्यू इतनी दी हुई है। ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ पे ये कितना गुना है, इसका कितना गुना है, ठीक है, कितना गुना है बताइए, 4 गुना है। ठीक है, 4 गुना, ठीक, ये जो है इसका अगर हम 4 गुना करेंगे तो आ जाएगा 800। ठीक है, 4 दुनिया 8, 4 दुनिया 8। ठीक है, तो अभी हमसे क्या पूछा है, कह रहा है कि हाँ मंथली किस्त बतानी है हमको कि कितने रुपए हम किस्त में देंगे 2 बार में, 2 साल में, 2 साल यानी 1 साल पे 1 किस्त, दूसरे साल पे दूसरी किस्त, यानी साल भर पे हम कितनी 2 बार में कितना किस्त दे देंगे कितने रुपए का, ताकि हमारा 800 रुपये कम्प्लीट हो जाए, मतलब 808 रुपये। ठीक है, तो पहला जो किस्त होगा आपका, इसका हम 4 गुना कर देंगे, 4 गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 400। ठीक है, 4 गुना क्यों करेंगे, जब क्योंकि यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू हमने 4 निकाली थी, जब ये अपने आप का 4 गुना है तो ये भी अपने आप का 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगर कोई भी डाउट बचा होगा तो आपका अगले वाले क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है 5% साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 10,750 की राशि दी है, मतलब इतना राशि हमको देना है 10,750, तो वार्षिक किस्त क्या होगी, मतलब 1 वर्ष में कितना किस्त हमें देना पड़ेगा। ठीक है, पहले वर्ष का किस्त बताना है। ठीक, तो रेट 5% है, 4 वर्ष में देना है, यानी 4 बार पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, साल भर पे। ठीक है, तो पहला हम लिख लेंगे 100। ठीक, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 5, तो 100 लिख लिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 है, इसमें 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 105। ठीक है, अब फिर हम इसको इसमें 5 जोड़ेंगे, अब कि हम इसमें 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 110। ठीक,
अब जो आया है हम इसमें 5 जोड़ेंगे 110 में, तो कितना आ जाएगा 115। ठीक है, कितने साल में पे करना था, 4 साल में। 4 साल में कितनी बार, 4 बार ना, क्योंकि साल साल भर में देना है। तो देखेंगे कितना हुआ है, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का। 4 साल का हो गया, मतलब इतना हमें ऐड कर लेना है अब। ठीक है, तो ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 5 10 0 आ जाएगा, 1 1 2 1 3 और यहाँ से 430 आ जाएगा। इसकी जो वैल्यू है वो दी गई है, कितनी दी गई है, इसकी जो वैल्यू है वो दी गई है 10,750। ये जो वैल्यू है वो इसी की दी गई है। ठीक है, तो ये अपने आप का कितना गुना है देखिए, अगर हम यहाँ से देखें तो दो बार जाएगा। ठीक है, 86, ठीक, 86 बच जाएगा कितना, 215 को काटेंगे 5 बार, यानी कुल मिला के ये अपने आप का 25 गुना है। ठीक है, 25 गुना है। ठीक, तो जब 25 गुना है ये अपने आप का, तो जो पहला किस्त है वो भी अपने आप का 25 गुना होगा। तो इसको जब हम 25 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2500। ठीक, तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब मैं आप लोगों को एक पॉइंट क्लियर करना चाहता हूँ कि जो ट्रिक है ये आया कहाँ से है। ठीक है, तो मैं चलिए आपको बता देता हूँ कि ये ट्रिक कहाँ से आया है। ठीक, तो सबसे पहले हम यहाँ से एक, अब हम बताते हैं कि वो आया कहाँ से था। हम पहले मानते थे कि जो हमारा पहला किस्त है वो 100 रुपये है। ठीक है, हम ये मान लेते थे, एज्यूम कर लेते थे कि हमारा जो पहला किस्त है वो 100 रुपया है। ठीक है, तो पहला किस्त 100 रुपया। ठीक, तो जब हमें दूसरी बारी आएगी, दूसरी बारी क्या होगा, दूसरी बार किस्त कितना होगा, मान लेते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना है, 5% है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है और 2 साल के लिए हमें देना है। ठीक है, 2 साल में हमें किस्त पे करना है। ठीक है, तो अगला वाला जो आएगा आपका, अगला वाला जो किस्त आएगा उसमें हम 5% और ऐड कर देते हैं। क्या ऐड करते हैं, 5% अमाउंट आपका जो SI है, मतलब सिंपल इंटरेस्ट है, आपका ब्याज और ऐड हो जाता है 5%। ठीक है, तो जब हम 5% जब ऐड करेंगे तो हो जाएगा इसका 5% कितना होता है, इसका 5% 100 का 5% 5 ही होगा। तो जब 100 का 5% 5 होगा, तो पहले इतना था, अब इसका हम 5% ऐड करेंगे तो 105 हो जाएगा। ठीक है, 105 हो जाएगा। ठीक, अगर यहीं पे रहता 3 साल का, तब क्या करते हैं हम, 3 साल का मान लीजिए होता 3 साल का, तब क्या करते हैं, फिर से हम इसका 5% और ऐड करते हैं। ठीक है, ये पहला किस्त हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा देना है, तो 5% और ऐड करेंगे। इसका 5% हम जानते ही 5 होता है 100 का। ठीक है, तो 105 में 5 और ऐड करेंगे तो आ जाएगा 110। ठीक है, यही होता है आपका टोटल किस्त। ये बताइए, जब मान लीजिए हमें 3 बार किस्त देना था, इसको हम ऐड कर लिए, अब सबको हम ऐड कर लिए, मान लीजिए कितना आ जाएगा, 315। ठीक है, 315 मान लीजिए आ गया। ठीक, तो ये जो हमने पूरा किस्त बार बार जमा करके दिया है, तो कहीं ना कहीं ये आपका टोटल कितना होगा, ये आपका टोटल अमाउंट होगा। अमाउंट का मतलब आपका मूलधन प्लस आपका इंटरेस्ट, यानी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, आपका दोनों मिलाकर ये इतना होगा। ठीक है, तो इतना जो आता है ये आपका यूनिट में ये वैल्यू आता है। ठीक है, इसकी वैल्यू दी होती है और हम जब इसकी वैल्यू दी होती है तो दूसरे की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल बनाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।